जी है बॉयज फ्री स्टाइल 69 केजी ब्रॉन्ज मेडल बाउट, आज का पहला ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला है या तो शिव कुमार जो उत्तराखंड से हैं उनको या महाराष्ट्र के संजीव कुमार को। इस मैच के आगाज हो चुका है, मैच के रेफरी हैं अजीत सिंह एंड ऑफ कोर्स शिव कुमार जो उत्तराखंड से हैं रेड सिंगलेट में हैं और संजीव ब्लू सिंगलेट में हैं जो महाराष्ट्र से हैं। जी हाँ, दो दो मिनट के दो राउंड होने हैं और आते ही आक्रामक रुख अपनाया है दोनों ही रेसलर्स ने। 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी का ये मुकाबला है, उत्तराखंड के शिव कुमार रेड सिंगलेट ब्लू सिंगलेट में, महाराष्ट्र के संजीव कुमार बढ़त लेने की कोशिश करते हुए जरूर थोड़ा सा दांव पेच खेले, जी हाँ पैरों की तरफ लपके, लेकिन क्या अंक हासिल कर पाएंगे यहाँ से? सिंगल लेग अटैक है लेकिन यहाँ से टेक डाउन के लिए, ओ बहुत ही खूबसूरती से देखिए अटैक किया था ब्लू ने यानी संजीव ने, पॉइंट ले गए शिव जो रेड में है क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुराई से एक ही पैर का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को पैसिविटी जोन से बाहर ले गए। ये है डिफेंस करते हुए अटैक करना। जी हाँ, डिफेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अटैक है, सही मौके पे सही दाव खेलना, यही कुश्ती है, यही रेसलिंग है। एक बार फिर से लॉक कर दिया है एक दूसरे को और जो ब्लू सिंगलेट में है संजीव महाराष्ट्र के, जानते हैं कि वो अब एक अंक से पीछे हैं, किसी भी तरह से पैसिविटी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। एक बार फिर से लपके सिंगल लेग अटैक के लिए लेकिन फिर फंस गए। बहुत अच्छा डिफेंस है, बहुत अच्छा डिफेंस है ये शिव का जो रेड में है, वो किसी तरह से संजीव को अपने ऊपर ग्रिप बनाने का मौका नहीं दे रहे। दे आर बैक ऑन देयर फीट और फिर से वो स्टेलमेट की पोजीशन, तकरीबन न्यूट्रल पोजीशन में। जब हेड डाउन हो तो आप डिसएडवांटेज में रहते हैं, लेग लेस करने की ट्राई, देखते हैं कोई पैसिविटी जोन से बाहर जाता है या नहीं। संजीव जो कि ब्लू सिंगलेट में है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अंक हासिल किए जाएं, अटैक भी करें, लगातार अड़ंगी दी, गिराया भी, लेकिन जल्द ही निकल गए शिव उनके हाथ से। रेसलिंग में सिर्फ गिराने से पॉइंट नहीं मिलते, लेग लेस जरूर किया था, लेग स्वीप किया था इनफैक्ट, लेकिन पोजीशन में आने से पॉइंट मिलते हैं। दोनों को एक एक वार्निंग दी गई है। किसी भी स्टेज पर अगर रेफरी को लगता है कि आप गेम के रूल्स से बाहर निकलकर एंगेज कर रहे हैं तो वो आपको वार्निंग दे सकते हैं। फिलहाल पीछे हुए सीक्वेंस में दोनों ही रेसलर्स को वार्निंग मिली थी, लेकिन अब पहला राउंड समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अभी भी एक अंक की बढ़त है शिव के पास जो कि रेड सिंगलेट में है, उत्तराखंड के रेसलर है। क्या इस बढ़त को वो फर्स्ट राउंड के खत्म होने तक लेके जाएंगे? कोई वापसी की राह यहाँ तो नजर नहीं आई ब्लू सिंगलेट के रेसलर के लिए। 1-0 की बहुत ही छोटी सी बढ़त है लेकिन बढ़त आखिर बढ़त है। नो फिंगर महाराष्ट्र। संजीव ने पहले मुकाबले में कोशिश की थी लेकिन इस बार सफलता उन्हें जरूर मिलेगी, 2-4 अंक उस दाव के साथ, लेकिन क्या फंस गए हैं? एक पॉइंट उसके बाद, ये कमाल की वापसी है संजीव की। पहले उन्होंने टेक डाउन किया, एक अच्छी ग्रिप बनाई अपने विरोधी को, जब आप डेंजर पोजीशन में लाकर मैट में पटक दें पीठ के बाहर, जबकि एंगल 90 डिग्री से कम हो मैट के साथ, तो उसको डेंजरस पोजीशन का टेक डाउन कहते हैं एंड ऑफ कोर्स उसके 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद जो एक पॉइंट शिव के खाते में और गया वो इसलिए क्योंकि वो संजीव को पैसिविटी जोन से बाहर ले गए थे। जी हाँ, बड़ा अंक हासिल किया संजीव ने जो कि ब्लू सिंगलेट में है महाराष्ट्र के रेसलर, शिव ने एक बार फिर से उन्हें रेड जोन से बाहर खदेड़ा तो एक और अंक जरूर मिला होगा, लेकिन अब हावी हो रहे हैं संजीव जो कि महाराष्ट्र के रेसलर है, ब्लू सिंगलेट में खेल रहे हैं, बड़ा दाव खेला था लेकिन उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और अंकों में, वो नहीं हो पाया। यहाँ फिर से सेंटर ऑफ द मैट में एक बार एक दूसरे को और एंगेज कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ कौन दाव खेलेगा। फिर से लेग स्वीप की ट्राई थी, एडवांटेज जाहिर तौर पर संजीव के पास है, संजीव ब्लू में है। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच है बॉयज फ्री स्टाइल 69 का, एक ब्रॉन्ज मेडल और होगा। ओ बहुत खूबसूरत डिफेंस हुआ, बाहर धकेलने की तैयारियां, लेकिन अच्छी वापसी रेड सिंगलेट वाले शिव की, अगर वो ऑरेंज जोन से बाहर चले जाते तो विरोधी को एक पॉइंट मिलता। शिव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो डेंजर जोन कहां पर है, बार बार हमने इस मैच में देखा है कि अपने आप को वहां से बचा लेते हैं बल्कि प्रतिद्वंदी को वहां खींच के ले जाते हैं और अंक कमा लेते हैं, लेकिन वो अब काफी नहीं है क्योंकि आखिरी के 30 सेकंड रह गए हैं और वो 2 अंकों से पीछे चल रहे हैं रेड सिंगलेट में शिव कुमार जो कि उत्तराखंड से आते हैं और ब्लू सिंगलेट में संजीव जो आते हैं महाराष्ट्र से। अभी उनके पास 4 अंक है और अभी भी वो कोई भी मौका नहीं देना चाहते शिव को। ये एक स्लैम करने की ट्राई थी, अप का इशारा, ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। पहले ही इनफैक्ट मैच चेयरमैन ने इस सामने भी देखिए जो वाइट फ्लैग उठाया है, यानी कि वापस आपको न्यूट्रल पोजीशन में जाना पड़ेगा, शिव को कुछ करना पड़ेगा, शिव को यहां कम से कम 4 पॉइंट का मूव चाहिए।
दोबारा मार दिया क्वेश्चन पॉइंट आपकी बार। दोनों को वार्निंग दी गई है, ये सिर्फ वर्बल वार्निंग है। रेसलिंग में अगर कॉशन हो तो विरोधी को कॉशन का एक पॉइंट भी मिलता है। ये क्या टेक डाउन कामयाब होगा या नहीं? अगर ये टेक डाउन हो गया प्रीति, फिर मैच खत्म हो जाएगा, फिर लीड बहुत बन जाएगी संजीव के पास। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं शिव, कामयाब नहीं हुए। ब्रॉन्ज मेडल बॉयज फ्री स्टाइल 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी का पहला जाता है उत्तराखंड के शिव, सॉरी महाराष्ट्र के संजीव को, जो कि ब्लू सिंगलेट में खेल रहे थे, और उन्होंने हराया उत्तराखंड के शिव कुमार को 4-2 रही स्कोर लाइन। बिल्कुल, हम स्कोर अपडेट करेंगे। बिल्कुल आखिर में दो पॉइंट और मिल गए थे, बट वेल डन, क्योंकि पूरी तरह से दूसरे राउंड में भी संजीव कुमार ही हावी थे। ये है महाराष्ट्र के संजीव कुमार, जिन्होंने बॉयज फ्री स्टाइल 69 किलोग्राम कैटेगरी का पहला ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। नजर डालिए किस तरह से एक दूसरे को चुनौती देते रहे लगातार, लेकिन अंत में जाके संजीव कुमार, जो कि ब्लू सिंगलेट में थे, हावी रहे। पहले एक अंक गवाया, लेकिन फिर जो वापसी की, खासतौर पर दूसरे राउंड में, पहले तो नीचे गिराया मैट पर, कोशिश थी कि चित भी कर दे, लेकिन वो मूव भले ही कामयाब ना हो पाया हो, 4 अंक वहां से हासिल किए और उसके बाद कोई भी वापसी की राह नहीं दिखाई उत्तराखंड के शिव कुमार को। कोशिश लगातार करते रहे शिव, लेकिन हर बार अपने ही दांव में फंस गए और आखिर में जाके 2 अंक और गवा दिए थे उन्होंने। तो विनर बॉयज फ्रीस्टाइल 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के पहले ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे संजीव कुमार। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के वो 4 नगीने जिन्होंने बॉयज 69 केजी फ्रीस्टाइल वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ये मेडल प्रदान करने के लिए स्वागत है श्री रतन कुमार, जो कि खुद एक इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, और उनके ठीक पीछे श्री राजीव तोमर खड़े हैं, बड़े मशहूर ओलंपियन ये रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। और विनर है संजीव कुमार महाराष्ट्र के, जिन्हें पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला था इस वेट कैटेगरी में। और संजीव का मुकाबला हमने देखा आज सुबह थोड़ी देर पहले इनफैक्ट, और कितना मेहनत मशक्कत करके ये रेसलर्स यहाँ तक पहुँचते हैं, उम्मीद रहती है पोडियम पर खड़े होने की। दूसरे ब्रॉन्ज मेडल विजेता हरियाणा के राहुल, भाई वेट कैटेगरी कोई भी हो, पोडियम पर आपको हरियाणा का एक रेसलर कम से कम जरूर नजर आने वाला है, ये बात पक्की है, चाहे वो मेल कैटेगरी हो चाहे वो फीमेल कैटेगरी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, संजीव और राहुल। सुनील, यहाँ हरियाणा के 2 रेसलर हैं पोडियम पर, सिल्वर भी मिला है हरियाणा के ही राहुल को, राहुल सोलंकर, और उन्हें हराया था यूपी के गौरव बालियान ने, और क्या टॉपसी टर्वी मुकाबला वो रहा था, हमने देखा कभी इसका पलड़ा भारी कभी उसका पलड़ा भारी। गौरव बालियान, वेल डन, वेल डिजर्व गोल्ड मेडल फॉर दिस रेसलर कमिंग इन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है जहां तक रेसलिंग का सवाल है, बड़ी पुरानी वहां सभ्यता है रेसलिंग की, कबड्डी की, इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स की। बहुत बहुत बधाइयां हमारे इन यंग ग्रैपलर्स को, आप ही में हमें भविष्य के सुशील कुमार, भविष्य के नरसिंह यादव, भविष्य के योगेश्वर दत्त मिलेंगे, ऐसी हमारी कामना है। संजीव कुमार, राहुल, गौरव बालियान एंड ऑफ कोर्स राहुल सोलंकर, ये हैं संजीव कुमार महाराष्ट्र के, जिनको कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, गोल्ड मेडल गोज टू ऑफ कोर्स यूपी।